तो ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रामलला की। यही 51 इंच ऊंची बाल रूप की भगवान राम की मूर्ति, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को होनी है, गर्भगृह में ये रखी गई है और घर बैठे आप न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं भगवान राम के। ये दिव्य दर्शन है, संपूर्ण दर्शन है भगवान रामलला के, जिनका प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और उससे पहले कल इस मूर्ति को गर्भगृह के भीतर विराजित कर दिया गया, वहां पर स्थापित कर दिया गया और कल इसके मुख पर पट्टा लगा हुआ था, लेकिन आज भगवान रामलला के मुख से इस पट्टे को यहां से हटा दिया गया है। और ये सुंदर तस्वीर, और आप देखिए, चक्षु देखिए, मस्तिष्क देखिए, जैसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया, ठीक वैसा ही इसको पूरा उकेर दिया गया है मूर्तिकार अरुण योगीराज ने। बिल्कुल, और उन्हीं की मूर्ति का ये चयन हुआ था। तीन मूर्तियां थी जिसमें अरुण योगीराज की यही मूर्ति, और घर बैठे आप ये अलौकिक दर्शन कर सकते हैं भगवान राम के। जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कल से अयोध्या में आम लोगों के लिए दर्शन बंद रहेंगे, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, क्योंकि भगवान राम को का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता है, लेकिन इस मूर्ति को देख करके ऐसा आभास हो रहा है कि आप भगवान राम के सामने ही मौजूद हैं, उनके बाल रूप के दर्शन आप कर सकते हैं। ये अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जन्मभूमि है अयोध्या भगवान श्री राम की, और ये रामलला है। ये 5 साल के भगवान श्री राम का बाल स्वरूप है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, गौर से देखेंगे, न्यूज 18 इंडिया के जरिए तस्वीर हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 5 साल के भगवान रामलला का दृश्य है। और ऐसे में जो इनका मस्तिष्क है, रामनवमी के वक्त, आपको बता दें, जब भी रामनवमी होगी तो सूर्य की जो किरणें होंगी उनके ठीक माथे पर पड़ती हुई भी नजर आएंगी, और वो अद्भुत और अलौकिक होगा। बिल्कुल, तो इसी तरीके से अयोध्या में जो राम मंदिर है, जिसका पहला फेज का काम पूरा हो चुका है, फिनिशिंग बाकी है, और ये पूरी तस्वीर आप देख लीजिए, ये पूरी तस्वीर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। अरुण योगीराज की ये बनाई गई मूर्ति, जो कि 51 इंच ऊंची है, ये रामलला के संपूर्ण दर्शन, दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन इस वक्त आप घर बैठे न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से कर सकते हैं। ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार हर देशवासी को था, ये वो सपने के समान है जिसको पूरा होते हुए हम देख पा रहे हैं। जो लड़ाई 500 सालों तक लड़ी गई, जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, वो एक दिन साकार होगा, ऐसी उनको उम्मीद थी, लेकिन हम अपनी आंखों के सामने ये मूर्ति देख रहे हैं, रामलला को देख रहे हैं। वो टेंट से ठाट बाट में पहुंच चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा उनकी होनी है, लेकिन ये तस्वीर हर भारतवासी के चेहरे पर खुशी ला रही है। तो एक इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन एक इंतजार और है 22 जनवरी का, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन यही वो तस्वीर है, यही वो मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैसूरु से आते हैं मूर्तिकार अरुण योगीराज, ऐसे में उनकी ओर से ये तस्वीर बनाई गई है। 5 साल के भगवान श्री राम को उन्होंने पूरा मूर्ति में उकेर दिया है, और इसी भव्य दिव्य तस्वीर की वहां पर पूजा पाठ होगा। और जो भी राम भक्त चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी मूर्ति है जिसकी पूजा के लिए वो वहां जाएंगे, जिसके लिए अयोध्या लोग पहुंच रहे हैं, राम भक्त तमाम पहुंच रहे हैं, तो वो यही मूर्ति है जिसके दर्शन इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया के जरिए कर रहे हैं। 200 किलो ये वजनी है और 51 इंच इसकी जो लंबाई है, श्याम रंग की ये है, और ऐसे में धनुष बाण अगर आप देखेंगे तो वो सोने का बना हुआ है। बिल्कुल, तो तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, पहले में पट्टी लगी हुई थी और जब कपड़े से ढका हुआ था इस मूर्ति को, ये दो तस्वीरें हैं जो कल आई थी, और तीसरी तस्वीर जिसमें अद्भुत दर्शन आप भगवान राम के कर सकते हैं, रामलला के दर्शन कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, और भाग्यशाली अपने आप को लोग मान रहे हैं कि वो खुली आंखों से दर्शन कर पा रहे हैं अपने आप को रामलला के सामने, रामलला उनके सामने हैं, और उनकी जो तमन्ना है, सालों की तमन्ना थी, वो अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि उनको ये दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं, आंखें नम हो रही हैं।